उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करने के बाद स्थानीय लोगों से बातचीत की। इस दौरान सीएम योगी से मिलने के लिए मानो पूरा गांव पहुंच गया हो। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं तक उनसे मिलने वहां पहुंच गए। लोगों में सीएम योगी से मिलने का बहुत उत्साह था। इस दौरान सीएम योगी भी वहां मौजूद बच्चों से बातचीत करते नजर आए। नन्हे मासूमों के साथ सीएम योगी के इस अंदाज ने सबका दिल जीत लिया। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को राशन का सामान भी दिया और उन तक हर संभव मदद पहुंचाने की बात कही। हर बाढ़ पीड़ित को जो गांव मैरुंड हो चुके हैं, जहां जल जग गया है, वहां पर जहां घरों के अंदर पानी घुस गया है, वहां पर उनके लिए कम्युनिटी किचन की व्यवस्था, जहां पर लोग आए भोजन वगैरह उनको बिना भेदभाव के भोजन की सुविधा प्राप्त हो सके, जो पीड़ित परिवार हैं, प्रभावित परिवार हैं, जो अलग से भोजन बनाना चाहते हैं, उनके लिए दो पैकेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिनमें 5 किलो लाई, 2 किलो भुना चना, 1 किलो गुड़, 10 पैकेट बिस्किट, 1 पैकेट माचिस, 1 पैकेट मोमबत्ती, 2 नहाने का साबुन, 20 लीटर का पानी के लिए एक जैरकिन और तिरपाल, ये उन्हें उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। और द्वितीय पैकेट में 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, 2 किलो अरहर की दाल, 10 किलो आलू, हल्दी, मिर्च, मसाला, रिफाइंड तेल, 1 किलो नमक, ये सभी उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। और साथ ही जहां पे ईंधन की कमी है, वहां पर केरोसिन भी उन्हें उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं।